सिटी चौक पुलिस स्टेशन में मैं तकरार देने के लिए आया हूँ। एक कॉग्निजेबल गुनाह हुआ है, उसकी मैं तकरार करने के लिए पुलिस स्टेशन में आया हूँ। ये जो मैं एक मुसलमान हूँ, हम औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को एक वली अल्लाह मानते हैं। अभी मैं सुबह में एक फेसबुक पे चेक कर रहा था तो एक टीवी चैनल है TV9 मराठी, उसके फेसबुक अकाउंट के ऊपर एक न्यूज़ दिखाई जा रही थी जो प्रकाश अंबेडकर साहब जो अभी आए थे खुलदाबाद में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार पे जो गए थे उसके बारे में न्यूज़ थी। तो उसके ऊपर जिसके अंदर जो उसका जो टाइटल था उस न्यूज़ का, वो जो है तो उसके अंदर औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह जिन्हें हम वली अल्लाह मानते हैं यानी संत मानते हैं उनको, तो उनके बारे में जो है शुराल भाषा इस्तेमाल की गई है। उसमें उसकी जो टाइटल था उसके अंदर लिखा था कि भी अंबेडकर औरंगजेबाचा कब्रीवर ठाकरेंची कोंडी भाजपचा सवाल आता ठाकरेंची भूमिका काय। उसके अलावा जो थे तो ये डिस्क्रिप्शन में भी था और टाइटल में भी था। उसके अलावा जो वो जो एंकर है एक लेडीज़, वो बार बार औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह को औरंगिया इस तरह से वो हम मुसलमानों को डिवचने के लिए इस तरह से बोल रही थी वो, और मुसलमानों का अपमान करने के लिए और औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह का को अपमानित करने के हिसाब से वो औरंगिया बोल रही थी। उसके अलावा उनकी जो कैप्शंस थे वो भी बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल कैप्शन लगाए थे उसके अंदर। एक था कि भाई अंबेडकर औरंगजेबाचा कब्रीवर ठाकरेंची कोंडी, औरंगजेबाचा कब्रीवर प्रकाश अंबेडकर नतमस्तक, अंबेडकर औरंगजेबाचा कब्रीवर, अशा प्रकार ते वारंवार ते औरंगिया म्हणत होती आणि ते कॅप्शन पण तसे दाखवण्यात येत होते। तर त्यामुळे माझ्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेलेल्या आहेत आणि माझ्यासह औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैहिंना इंडियामध्ये बरेचसे लोक वली अल्लाह मानतात, तर एक वली अल्लाचा त्यांनी अपमान केलेला आहे, आमच्या धार्मिक भावना दुखावल्या आहेत। तसेच ह्या जी औरंगिया म्हणून ते मुसलमानांना डिवचण्याचा प्रयत्न करीत होती, तर म्हणून माझा म्हणणं आहे की ते जे त्यांची जी ॲक्शन आहे, त्याची जी न्यूज आहे, ते जे काही दाखवलेलं आहे ते भारतीय दंडविधानाचे कलम 295(a) और 34 के मुताबिक कॉग्निजेबल गुना होता है, तो उसके लिए उनके खिलाफ गुना दाखिल होना चाहिए, ऐसी मैं तकरार कर लेकर के यहाँ पर आया हूँ। ये मेरी तकरार है, इसमें मैंने क्लियर कट लिखा हूँ, मेरे कॉग्निजेबल गुने की FIR है ये। उसमें जो तो इस तरह से उसके अंदर वो स्क्रीनशॉट मैंने निकाला है, स्क्रीनशॉट बहुत सारे स्क्रीनशॉट इस तरह से निकाले। हम जब यहाँ पर आकर के API साहब से मिले, यहाँ पर कराड़े साहब से, 11 बजे मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं एक सीनियर सिटीज़न हूँ, मेरी उम्र 65 साल की उम्र है। एक मैं यहाँ पर 11 बजे से यहाँ पर थाने में बैठा हूँ। API कराड़े साहब बोलते हैं कि भैया PI साहब आएंगे तो उनसे मिलना। PI साहब को आकर आए, PI साहब उनसे मिला मैं, उन्होंने देखा तो ठीक है, बोले ये भी तुम ऐसा करते, बोले हम इसको आप बोले इनवर्ड कांस्टेबल के पास में दे दो, बोले हम उसकी चौकसी करेंगे। मेरा ये कहना है कि भाई कॉग्निजेबल रिपोर्ट गुने की जब रिपोर्ट पुलिस स्टेशन में आती है तो गुना दाखिल करना चाहिए। पुलिस के पास में दो ही पर्याय है, एक तो गुना दाखिल करे या फिर NC करे। ये जो है तो अपना गुन्हे को टरकाने के लिए, गुन्हे को वर्किंग करने के लिए इस तरह से हरकत की जाती है कि ये अपना वो इन्वर्ट कलर के पास दे दो बोलते, वो इनकम का सिक्का मार के देंगे। मैं बोला भाई आपको जहाँ करना है दो, हरकत नहीं, लेकिन मुझे सिक्का मार के दो, PSO का थाने अमलदार का सिक्का मार के दो। आपको चौकसी करना है चौकसी करो, बाद में गुना दाखिल करो, लेकिन मेरे जो आप FIR जो लिखी हुई है उसके कंटेंट के मुताबिक ये कॉग्निजेबल गुना होता है, तो कॉग्निजेबल गुना दाखिल करना चाहिए। अभी देखो यहाँ पर 1 बज गया है, मैं 11 बजे से आकर रुका हूँ यहाँ पर, 1 बज गया है, लेकिन आप अभी तक मुझे इस पर साइन करके नहीं दिया गया। वो API का कहना ये है कि भाई हम तुमको कांस्टेबल का सही सिक्का मार के देंगे, अगर तुमको नहीं लिया तो तुम्हारी ये लेके जाओ, बोले तुम क्या करना करो, हम रिपोर्ट लेते नहीं तुम्हारी। ये क्या तमाशा लगा यहाँ पर ये? अरे भाई कानून इसीलिए तो बैठे हैं ना ये, कॉग्निजेबल गुने की रिपोर्ट आई तो गुना दाखिल करो, NC है तो NC करो, तुरंत कार्रवाई करो। यहाँ पर मुसलमान ने समझे देखा था, अगर कोई ऐसा कोई पोस्ट कर दिया, अभी पीछे एक पोस्ट की हुई थी एक औरंगज़ेब का कुछ तो भी वो अभिषेक के बारे में क्या था, ऐसी कुछ न्यूज़ थी, एक न्यूज़ डाला तो एक ने जाकर रिपोर्ट दिया थाने में जाकर के, वहाँ पर सिडको पुलिस स्टेशन में तुरंत गुना दाखिल हुआ हुआ है। मैं जब रिपोर्ट दे रहा हूँ 295(a) की, वो सीरियस मैटर यही है, समझिए चाहिए इसको। हम मुसलमानों की भावना दुखाई गई है इसके अंदर, उसका भी इसका भी इनको इसका कोई सूत्र नहीं, इनको बहुत इजी ले रहे हैं उसको। मुसलमान की धार्मिक भावना का कोई वैल्यू नहीं है, हमारी धार्मिक भावना दुखा ली जा रही है, हमारा गुना दाखिल होना चाहिए जिस तरह से बाकी के गुना दाखिल करते, हमारा गुना क्यों नहीं दाखिल करते भैया आप।
हैं, हमको बल तड़का देते बस हम चौकसी करेंगे। मैंने बोला मैं बैठता हूँ यहाँ पर, मैं लगा तो आप वेरीफाई करो, आप वीडियो देखो, सब कुछ करो। वो बोलते तुमको बाहर जाके बैठो, बोले मेरे रूम में से निकल जाओ। थाने अमल लाल बोलता है मेरे रूम में से निकल जाओ, पीआई बोलता है मेरे कैबिन में से निकल जाओ। ये क्या तमाशा लगाई है? एक सीनियर सिटीजन के साथ साथ भी इस तरह से बर्ताव। मैंने अभी पुलिस कमिश्नर साहब को, डीजी साहब को और मुख्यमंत्री साहब को ईमेल किया हूँ कि यहाँ पर कैसी हरकत हो रही है। मेरी गुजारिश है सीपी साहब से भी, डीजी साहब से भी मेरी गुजारिश है, और सीएम साहब से भी मेरी गुजारिश है कि मेरी